जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज सामने है हमारे यहां पे नेक्सॉन का XE वेरिएंट। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं ना भाई, ये नेक्सॉन में बेस वेरिएंट आता है। यहां पे भाई नेक्सॉन में ना टोटल जो इसके पूरा पोर्टफोलियो है, हमें टोटल 12 वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। और आपको ना एक चीज़ बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में ना, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट के अंदर जो सेल है वो है भाई यहाँ पे टाटा नेक्सॉन की। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में अगर मैं बात करूँ भाई, ये नेक्सॉन आती है हमारे पास में, रेनो काइगर, निसान मेगनाइट, XUV 300। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जो सेल आती है ना, वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार यूनिट नेक्सॉन की बिकती हैं हर महीने की। तो आप ये देखो तो कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट को ना कॉन्टीन्यूसली ये गाड़ी डोमिनेट कर रही है। इसके साथ में भाई इस गाड़ी का जो प्राइस है, इस गाड़ी का प्राइस शुरू हो रहा है 7,69,000 से और ये प्राइस जा रहा है 14,12,000 तक। आपको मैं बता दूं भाई, ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में देखने को हमें मिलती है। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट वॉक अराउंड करते हैं नेक्सॉन XE वेरिएंट का और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले भाई मैं फ्रंट से बात करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। सो लो बीम के लिए हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, प्लस हाई बीम के लिए हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसके साथ नीचे अगर हम नज़र डालें तो साइड टर्न इंडिकेटर आ रहा है, प्लस ये यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए प्रोविज़न आ रहा है और ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर हमें साइड में कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ये रहा इसके साथ देखने वाली बात है भाई, यहाँ पे ड्यूल टोन बम्पर के साथ गाड़ी आ रही है। साथ ही साथ भाई यहाँ पे जो लोअर पार्ट इसका बम्पर का है, ये हमें मैट फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ग्लॉसी फिनिश हमें यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल देखने को मिल रही है विद टाटा के बेज के साथ में। ये रहा इसके साथ में ना, अगर मैं यहाँ पे साइड से बात करूँ तो भाई गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से ये गाड़ी साइड से देखने को मिलती है। अब यहाँ पे भाई आप व्हील बेस देखो, अगर इस गाड़ी के मैं व्हील बेस की बात करूँगा, तकरीबन भाई 2,498 mm का हमें यहाँ पे व्हील बेस देखने को मिल रहा है। इसके साथ भाई गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आप देख ही सकते हो, 209 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है विदाउट वेट। तो ये अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैंने बताई है। अब एक बार यहाँ पे टायर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो टायर्स में मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हमें गुड ईयर के टायर देखने को मिल रहे हैं, जिनकी जो टायर प्रोफाइल है R16 inches के हमें टायर देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो गाड़ी आ रही है ना भाई, ABS, EBD, ESP, ब्रेक प्रीफिल, सारे के सारे सेफ्टी फीचर, जितने ESP का अपना सूट आ रहा है लेटेस्ट जनरेशन का, उसके साथ में ये गाड़ी हमें बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल रही है। तो भाई ये है टाटा का भरोसा। इसके साथ आप देखिए भाई, ये यहाँ पे व्हील आर्च मैट फिनिशिंग में कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अगर मैं यहाँ साइड में बात करूँ तो डोर क्लैडिंग हमें मैट फिनिशिंग में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए भाई, ट्राई एरो डिज़ाइन हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को गाड़ी में मिल रहा है। इसके साथ में ये नीचे लोअर पार्ट आया रनिंग बोर्ड का, तो ये हुआ। अब गाड़ी के अंदर ORVMs में चलते हैं। तो ORVMs ना यहाँ पे हमें मैट फिनिशिंग के ORVM देखने को मिल रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। ये रहा भाई, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ORVM आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे मैनुअली फोल्डेबल हैं और यहीं से अंदर यहाँ पे मैनुअली एडजस्टमेंट का प्रोविज़न दे रखा है कुछ इस तरीके से। इसके साथ ये जो कलर है, आप कलर के साथ देखिए, ड्यूल टोन फिनिशिंग में ये गाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कुछ ऐसे। ये रहा, अब इसके साथ ये कुछ यहाँ पे मैट फिनिशिंग में हमें डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं। तो गाड़ी में भाई सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, आपको अभी थोड़ी देर में इसकी चाबी भी दिखाते हैं कि गाड़ी की चाबी है कैसी। इसके साथ ये पार्ट रहा भाई यहाँ पे कंप्लीट। अब एक बार ना यहाँ पे स्पॉइलर की बात करते हैं, तो ये कुछ स्पॉइलर हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। इसके साथ आप देखिए भाई, ये यहाँ पे LED लैम्प्स का प्रोविज़न दे रखा है, तो हाई माउंटेड LED लैम्प्स का सेटअप आ रहा है, ये यहाँ पे हुआ। ये रियर में अगर मैं बात करूँ तो ये भाई LED टेल लैम्प्स हमें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे विद साइड टर्न इंडिकेटर। एंड ये जो टेल लैम्प्स है ना, ये स्प्लिट टेल लैम्प्स हैं जो कि हमें यहाँ पे नेक्सॉन XE वेरियंट में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ रियर में आप नज़र डालें तो ये लोअर पार्ट जो बम्पर है, ये हमें मैट फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर भाई रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दो हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, रिफ्लेक्टर गाड़ी के अंदर हुए। ये रहा भाई, इसके साथ लोकल फॉर वोकल, ये हमें यहाँ पे बेस देखने को नज़र आ रहा है। तो ये रहा भाई, अब मैं आपको एक बार ना गाड़ी को अंदर से एक्सप्लोर कराता हूँ। अब सबसे पहले ना एक बार गाड़ी की ना चाबी भी देखते हैं कि इसकी चाबी कैसी है। तो यहाँ पर
जो हमें की सेट देखने को मिल रहा है, चाबी कुछ ऐसी हमें देखने को मिलेगी, आप ये देख सकते हैं। तो प्राइमरी की और सेकेंडरी की मैनुअली आ रही हैं विदाउट सेंट्रल लॉकिंग, बट यस ये यहाँ पे इमोबिलाइजर के साथ हमें देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से भाई। अब गाड़ी को एक बार मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर कराता हूँ। ये हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भाई, ये हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र डालने वाली बात ये है भाई, यहाँ पे स्पीकर्स का और ट्विटर का इस प्रोविज़न दे रखा है, बट यस इस वेरिएंट में स्पीकर और ट्विटर नहीं है। प्लस ये यहाँ पे डोर में नीचे रिफ्लेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ ये भाई कुछ ग्लॉसी फिनिश एलिमेंट्स हमें कुछ ऐसे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये रहा भाई मैट फिनिशिंग में, कुछ इस तरीके से ये हैंडल देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में आती है भाई पावर विंडो कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे सीट्स में बात करें तो ट्राई एरो डिज़ाइन की सीट हमें देखने को मिल रही है, विद आप देखिए भाई ये जो सीट है ना फैब्रिक सीट्स के कुशंस के साथ आ रही है। डी शेप स्टेयरिंग व्हील आ रहा है जिस पे ग्लॉसी फिनिश के एलिमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम इंटीरियर पे नज़र मारें तो ड्यूल टोन में हमें ये यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल रहा है। अब एक बार ना गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं गाड़ी कैसी है। तो आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को चाबी भी लगाई जाए। सबसे पहले आपको मैं इसका DIS दिखाता हूँ, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसा। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे हमें ऐसा सेटअप देखने को मिल रहा है। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं तो फिलहाल जो गाड़ी थी वो भाई खड़ी हुई थी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों में हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ इस तरीके से हमें सेटअप देखने को मिल रहा है भाई। हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्यूल टोन फिनिशिंग में डैशबोर्ड गाड़ी का देखने को मिल रहा है, प्लस क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे भाई हमें दे रखे हैं, इधर दे रखे हैं। तो लिटरली भाई ब्लोअर्स बहुत तेज इसका थ्रो है ब्लोअर्स का, लिटरली भाई ये देखो वन पे रखा हुआ है मैंने, काफ़ी अच्छा थ्रो है। और एक अच्छी बात ये है जिस तरीके से ये थ्रो आ रहा है ना, केबिन बहुत जल्दी कूल होगा गर्मियों के अंदर। तो ये क्रोम एलिमेंट कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, प्लस रीसर्कुलेशन ऑन ऑफ का कुछ इस तरीके से हमें यहाँ स्विच देखने को मिल रहा है। ये रहा पार्ट, इसके साथ बूट को अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ प्रोविज़न है। इसके साथ नज़र डालते हैं यहाँ पर, ये कुछ हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल रहा है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भाई ड्राइव मोड्स के साथ गाड़ी आ रही है, तो सिटी, इको, स्पोर्ट, तीन तरीके के ड्राइव मोड्स भी हमें यहाँ पे भाई देखने को मिल रहे हैं। हैंड ब्रेक का प्रोविज़न कुछ इस तरीके से, की रखने का यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया जा रहा है। इसके साथ ये कुछ ऐसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ग्लोव बॉक्स भी देख लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ पे जगह है, इसे ओपन किया तो ये इसका गाड़ी का कुछ ग्लोव बॉक्स है भाई। देखो कितना ज़्यादा वाइड है, देख रहे हो आप। तो ये रहा, अब एक बार सेकंड रो में चलते हैं और सेकंड रो एक्सप्लोर करते हैं। अब सेकंड रो की बात करते हैं कुछ इस तरीके से भाई, हमें यहाँ पे सेकंड रो देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक सीट्स के साथ गाड़ी आ रही है, और ये भाई कुछ इस तरीके से प्रोविज़न आ रहा है आपको, देखो दिखाता हूँ। ये रहा यहाँ पे, लेकिन भाई ये आइसोफिक्स के साथ आ रही है। इसके साथ यहाँ पे आप सेंटर में देखिए, ये एक कैविटी है, यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन या सामान अपना रख सकते हैं। कुछ यहाँ पे इस तरीके से मैन्युअली पावर विंडोज़ को एडजस्ट करने का है, प्लस ये पॉइंट दे रखा है बॉटल रखने के लिए, कुछ यहाँ पे ऐसा रहेगा मैप पॉकेट, और ये कुछ हमें यहाँ प्रोविज़न ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये रहा भाई। इसके साथ साथ ना आपको मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक आता है 44 लीटर का, हमें यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें पहला इंजन जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है 1200 सीसी का टर्बो रेवेट्रॉन इंजन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि पावर दे रहा है 120 PS की और टॉर्क दे रहा है 170 न्यूटन मीटर का। इसके साथ जो दूसरा इंजन आता है हमारा, वो आता है भाई 1500 सीसी का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉर्क इंजन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पावर है जिसकी 115 PS की और टॉर्क हमें देखने को मिल रहा है 260 न्यूटन का। ये गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ऑप्शन दोनों में हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। सो ये था भाई मेरी तरफ से एक कंप्लीट डिटेल्ड वॉक अराउंड इस गाड़ी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताओ। प्लस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, मैं हूँ संचित सक्सेना।